विमोचन हनुमान की शक्ति से कौन वाकिफ नहीं है। भक्तों के कष्ट दूर करने वाले राम के प्रिय हनुमान की पूजा मंगलवार के दिन होती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त मंगलवार के दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और साथ ही साथ राम नाम का जाप भी करते हैं, लेकिन हनुमान जी को उनके पसंदीदा भोग लगाना भूल जाते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा के बाद उन्हें कुछ खास चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं किन चीजों का भोग हनुमान जी को विशेष प्रिय है। नंबर 1, लड्डू। बजरंगबली को लड्डू विशेष प्रिय है। उन्हें भोग में बूंदी या बेसन के लड्डू चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को भोग में लड्डू चढ़ाने से वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्तों की हर मनोकामना भी पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। नंबर 2, पंचमेवा। हनुमान जी को पंचमेवा के रूप में काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा और नारियल का भोग लगाना चाहिए। बजरंगबली को पंचमेवा बेहद प्रिय है। इसका भोग लगाने से पवन पुत्र जल्दी प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, इमरती या जलेबी। बजरंगबली को इमरती और जलेबी भी काफी प्रिय होती है और पूजा के बाद इनका भोग आपको पवन पुत्र को जरूर लगाना चाहिए। पवन पुत्र प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे और खास तौर पर मंगलवार को इमरती या जलेबी का भोग आप हनुमान जी को जरूर लगाएं। नंबर 4, पान का बीड़ा। मान्यता है कि पान का बीड़ा अर्पित करने से भगवान भक्त के महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। मंगलवार के दिन पूजा पाठ के बाद हनुमान जी को बनारसी पान का बीड़ा अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। नंबर 5, गुड़ और चने का भोग। गुड़ और चने का भोग भगवान पवन पुत्र को अत्यंत प्रिय है। हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन गुड़ चने का भोग लगाने से प्रभु भक्तों की हर तरह की समस्या को हर लेते हैं, ऐसी मान्यता है।